मंत्री अनीता बदेल के निवास स्थान पर भी कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन। मटका फोड़कर अपने वादों को पूरा करने के लिए जगाया कांग्रेस ने। बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने किया प्रदर्शन। शहर में चल रही पानी की किल्लत से परेशान जनता के परेशानियों के लिए लड़ने आज कांग्रेस पार्टी फिर आगे आई। आज कांग्रेस ने अजमेर दक्षिण विधायक महिला बाल विकास मंत्री अनीता बदेल के निवास स्थान पर भी मटका फोड़ नारे लगाकर उग्र प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मंत्री अनीता बदेल के घर पहुंचे व नींद जगा अभियान के तहत अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया। अजमेर के अंदर 100 घंटे में पानी आ रहा है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि हम लोग सरकार में आएंगे 24 घंटे पानी देंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं कि अजमेर के भागीरथ किशन मोटवानी जी के द्वारा बिसलवर्ग योजना बनाई गई थी और मात्र अजमेर के लिए बनी थी। आज अजमेर का पानी जयपुर जा रहा है। देवनानी जी अनीता बदेल अपनी नींद गहरी नींद में सो रहे। अजमेर के हक में इनको उठ के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। आज कांग्रेस के तमाम साथी इनको जगाने आए, इनको एहसास कराने आए कि जो जिन वादों के साथ इनकी सरकार आई थी, पानी देवे, बिजली देवे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने जब टाटा कंपनी के अंदर दिया जा रहा था, उस टाइम पूरा अजमेर शहर बंद रखा था, फिर भी आज आपकी बिजली की रेटें 5 से 6 गुना आ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए, अजमेर की जनता को न्याय दिलाने के लिए, अजमेर की जनता को पानी दिलाने के लिए आज हम इनको जगाने आए। अगर आज ये दिल्ली में जगे तो रात को 12 बजे आके फिर एक आंदोलन के रूप के अंदर हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में बात करेंगे और वो आंदोलन भी करके इनको जगाने का प्रयास करेंगे, पर अजमेर की जनता को हक दिलाएंगे। कौन सी ठीक है, हाँ बताइए। आज अजमेर के पानी और बिजली की समस्या के समाधान हेतु अजमेर दक्षिण ब्लॉक ए और बी के संयुक्त तत्वाधान में एक नींद जगाओ हमारे यहाँ की विधायक और हमारे यहाँ की मंत्री महोदय अनीता बदेल की नींद जगाने के लिए ढोल धमाको सहित उनके घर के बाहर में दोनों ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे सभी पार्षदगण, पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण की तरफ से प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। उनसे आग्रह और निवेदन किया गया कि अगर आगामी दिनों में इस समस्या का उचित समाधान नहीं हुआ तो उग्र जन आंदोलन किया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी मंत्री महोदय अनीता बदेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन तो अपने कानों में रुई डाले बैठा है। इनके द्वारा इनकी नींद जगाए तो इनकी ये उन प्रशासन को जगा के अजमेर जो कच्ची बस्तियाँ हैं, जो मैं अजय नगर का निवासी हूँ, वहाँ ओट बस्ती है, यहाँ ऊपर रेगर बस्ती है, आप वहाँ की हालत तो देखो, 7-7 दिन में पानी नहीं आता है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि अति शीघ्र इस समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। जय भारत। नाम बताएं। मैं राजकुमार तुलसियानी, दक्षिण ब्लॉक ए का अध्यक्ष, और मैं मीडिया से भी यही निवेदन करूंगा कि जन आंदोलन में अपनी सहभागिता उचित रखें। धन्यवाद।